क्या आप जानते हैं कि सिफिलिस क्या है? क्या ये नाम आपने पहले कभी सुना है? क्या आपको पता है कि ये डिजीज है? और क्या आप इसके स्प्रेड की रीजंस के बारे में जानते हैं? कितने सारे सवाल, क्या, कैसे, कोई टेंशन नहीं है, जानना बहुत जरूरी है, जानकारी होनी बहुत जरूरी है ताकि बचाव हो सके। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिफिलिस डिजीज के बारे में। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया के जिस टाइप से होता है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD है, मतलब यौन संचारित रोग, जो मोस्टली सेक्सुअल एक्टिविटी से स्प्रेड होती है। और बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब इन्फेक्टेड पर्सन को ये पता ना हो कि उसे ये डिजीज है और वो इसे अपने सेक्सुअल पार्टनर को स्प्रेड कर दे, क्योंकि बहुत से केसेस में इन्फेक्टेड पर्सन को काफी सालों तक इस इन्फेक्शन का पता नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत बार इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आता। ऐसे में सिफिलिस को डायग्नोस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर बीमारी की शुरुआत में ही सिम्टम्स का पता चल जाए तो इसे डायग्नोस करके ट्रीट भी किया जा सकता है। लंबे समय तक अनट्रीटेड सिफिलिस हार्ट और ब्रेन जैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, जैसे अर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज और ब्लाइंडनेस। इसका मतलब सिफिलिस एक सीरियस डिजीज है जो संक्रामक भी है, लेकिन इसके बारे में पूरी नॉलेज हो तो शुरुआत में ही सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करके इसका इलाज लिया जा सकता है और इसे पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है। और अब सिफिलिस होने का रीजन भी आप जान चुके हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये डिजीज स्प्रेड होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कम सिम्टम शो करता है और टाइम के साथ बढ़ता जाता है, जिससे बॉडी के बहुत से सिम्टम्स अफेक्ट होने लगते हैं। अब आगे जानते हैं कि सिफिलिस ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। सिफिलिस केवल घावों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकता है और ये घाव माउथ, पेनिस, वजाइना और एनस पर डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरली ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, इसलिए ओरल, एनल, वजाइनल सेक्स और डायरेक्ट जेनिटल टू जेनिटल कॉन्टेक्ट से ये स्प्रेड हो सकता है। इनके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी सिफिलिस ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है। अगर मदर में सिफिलिस इन्फेक्शन है और वो अभी तक ट्रीट नहीं किया गया है तो बच्चों में भी वो आ सकता है और इसे कंजेनिटल सिफिलिस कहा जाता है। सिफिलिस को लेकर के कुछ मिथ भी हैं जिन्हें ब्रेक करना भी जरूरी है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि टॉयलेट शेयर करने से, दूसरे पर्सन के कपड़े शेयर करने से, अदर पर्सन के खाने के बर्तन यूज करने से सिफिलिस नहीं होता है। और इसका रीजन ये है कि सिफिलिस के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया लंबे समय तक ह्यूमन बॉडी के बाहर नहीं रह सकता। अब हमें ये जानना चाहिए कि सिफिलिस का रिस्क कब ज्यादा रहता है। तो यूं तो सिफिलिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों में इस डिजीज का रिस्क हाई हो जाता है जो कॉन्डोम जैसे बैरियर मेथड का यूज किए बिना मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, जो मैन टू मैन सेक्स करते हैं, जिन्हें HIV होता है और जिनके पार्टनर को सिफिलिस होता है, यानी इन चार टाइप्स के लोगों में सिफिलिस होने का रिस्क हाई रहता है। और अब आगे जानते हैं सिफिलिस इन्फेक्शन की स्टेजेस, जो कि चार होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट या हिडन और टर्शियरी। इनमें से फर्स्ट दो स्टेजेस में सिफिलिस मोस्ट इन्फेक्शियस होता है। आइए इन स्टेजेस के बारे में जानते हैं। प्राइमरी सिफिलिस, बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद अगले 3 से 4 हफ्तों में सिफिलिस की प्राइमरी स्टेज शुरू होती है। इसकी शुरुआत एक स्मॉल राउंड सोर यानी घाव से होती है, जिसे शैंकर कहा जाता है। ये पेनलेस होता है लेकिन हाईली इन्फेक्शियस होता है। बहुत बार लोग इसे नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन ये सोर वहाँ बनता है जहाँ से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, जैसे माउथ, जेनिटल्स या रेक्टम पर। इस सोर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने पर ये ट्रांसमिट होता है, जो यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होता है। अगला टाइप है सेकेंडरी सिफिलिस। स्किन पर रैशेज और सोर थ्रोट इस स्टेजेस में देखे जा सकते हैं। रैशेज में खुजली नहीं होती है और ये हथेलियों और तलवों पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे रैशेज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और यही प्रॉब्लम बन जाती है। इस स्टेज पर और भी कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हेडेक्स, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, फटीग, फीवर, वेट लॉस, हेयर लॉस और जॉइंट्स में पेन होना। अगर इस स्टेज पर इलाज ले लिया जाए तो सिफिलिस को ऑल क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर सिफिलिस अगली स्टेज में एंटर कर लेता है, यानी थर्ड स्टेज में, जो है लेटेंट सिफिलिस स्टेज। इस थर्ड स्टेज को हिडन स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स तो गायब हो जाते हैं और कोई नए सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, जबकि बैक्टीरिया बॉडी में मौजूद होता है और लोगों को लगता है कि जो भी माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें थी वो ठीक हो गई है।
जबकि ये स्टेज तो सालों तक बनी रह सकती है और उसके बाद ये अगली स्टेज पर बढ़ती है, यानी फोर्थ स्टेज में जो है टर्शियरी सिफिलिस, जो इस इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज आती है। ये स्टेज लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और इसके रिजल्ट ये हो सकते हैं: ब्लाइंडनेस, सुनाई देना बंद होना, मेंटल हेल्थ कंडीशंस होना, मेमोरी लॉस होना, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन डिस्ट्रक्शन होना, स्ट्रोक और मेनिनजाइटिस जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का होना, हार्ट डिजीज होना और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन होना। यानी लॉन्ग टाइम तक अनट्रीटेड सिफिलिस बहुत ही घातक रूप भी ले सकता है। लेकिन सिफिलिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो सिफिलिस के सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। डॉक्टर ब्लड सैंपल लेकर के टेस्ट करता है और फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। अगर सोर प्रेजेंट हो तो उसका सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाता है कि ये सिफिलिस बैक्टीरिया से हुआ सोर है या नहीं। अगर ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और सिफिलिस के टर्शियरी स्टेज पर होने का पता चलता है तो डॉक्टर स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करके सिफिलिस बैक्टीरिया का टेस्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप कहा जाता है। सिफिलिस को घर पर भी टेस्टिंग किट के जरिए टेस्ट किया जा सकता है और पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट को डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। डायग्नोस के बाद अब बारी आती है इसके इलाज की। प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस को पेनिसिलिन इंजेक्शन से ट्रीट करना आसान होता है। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि पेनिसिलिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स में से एक है और ये सिफिलिस के इलाज में भी काफी इफेक्टिव रहती है। इलाज के दौरान सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि बॉडी से सारे सोर्स हील ना हो जाए। इसके अलावा इलाज लेने वाले पर्सन के पार्टनर को भी सिफिलिस डायग्नोस करवाना चाहिए और अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो कंप्लीट इलाज लेना चाहिए। सिफिलिस के इलाज का एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट भी हो सकता है जो बहुत ही कम लोगों में देखा गया है। इसे जेरिश हेक्समियर रिएक्शन, इन शॉर्ट JHR कहा जाता है, जो कि एक इम्यून सिस्टम रिएक्शन है। इसमें फीवर, ठंड लगना, स्किन रैशेस, वॉमिटिंग, हेडेक, जॉइंट पेन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ घंटों में ठीक भी हो जाते हैं। अब जब इलाज की बात भी हो गई है तो प्रिवेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। सिफिलिस से प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका सेफ सेक्स होता है और इसके लिए किसी भी तरह के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान कॉन्डोम का यूज किया जाना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी STI टेस्ट करवाना चाहिए। सिफिलिस नीडल शेयर करने से भी हो सकता है, इसलिए इंजेक्शन में यूज हो चुकी नीडल्स को शेयर नहीं करना चाहिए। और वीडियो के एंड में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर होना जरूरी है कि जब सिफिलिस के सिम्टम्स को इजीली डायग्नोस नहीं किया जा पाता है तो किसे और कब सिफिलिस टेस्ट करवा लेने चाहिए। इस सवाल का जवाब है, प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट करवाया जाना चाहिए। सेक्स वर्कर्स को ये टेस्ट करवाना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कॉन्डोम लेस सेक्स करने वालों को भी और मैन टू मैन सेक्स करने वाले पर्सन को ये टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो डॉक्टर से फुल ट्रीटमेंट जरूर से लेना चाहिए और अपने सेक्सुअल पार्टनर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो भी टेस्ट करवा कर इलाज ले सके और सिफिलिस स्प्रेड को रोका जा सके। और इस तरह अब आप एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में अवेयर हो चुके हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जिसे ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डायग्नोस में देरी कर दी जाए तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है, इसलिए उसके प्रति अवेयर रहना और सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अवेयरनेस स्प्रेड करना सभी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी, आगे कोई सवाल है तो लिख भेजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।